मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अति वर्षा से प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से बाढ़ की जानकारी ली और प्रशासन को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री मोदी से भी चर्चा कर मध्य प्रदेश में विगत दिनों हुई अतिवृष्टि और इससे उत्पन्न बाढ़ और जल भराव की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा, मुरैना, देवास, राजगढ़, गुना, मंदसौर, भिंड, ग्वालियर सहित विभिन्न जिलों के कलेक्टरों से जल भराव को लेकर चर्चा की और सभी को व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में विगत दिनों हुई अतिवृष्टि और इससे उत्पन्न बाढ़ और जलभराव की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बेतवा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए विदिशा जिले के क्षेत्रों के बारे में बताया। उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कैंपों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने आर्मी, NDRF की तुरंत मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। शिवराज सिंह ने अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों रायसेन, गुना, राजगढ़, सागर, भोपाल सहित अन्य स्थानों की जानकारी से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पेयजल की आपूर्ति, बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जगह खंभे टूटे हुए हैं, ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं, उन्हें ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अनेक स्थानों पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पुलिये टूटे हैं, बह गए हैं, इन्हें ठीक करने के लिए कहा गया है। अब सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, जैसे पानी उतरेगा सिल्ट जमा होगी, बदबू, बीमारियां, हो सकता है कुछ जगह मवेशी वैसे तो निकाल लिए। प्रशासन को इस समय में बहुत बधाई दूंगा और प्रशासन के भी सभी अंगों को, क्योंकि हमारे होमगार्ड से लेके पुलिस बल से लेके जिला प्रशासन से लेके अलग अलग विभाग के, जिसमें मैं बिजली विभाग का भी विशेष रूप से उल्लेख करूँगा, अच्छा, बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की। इरिगेशन ने भी कैसे पानी का स्तर मेंटेन हो, जिससे एक साथ भयावह स्थिति ना बने, उसमें काफ़ी प्रयत्न किया। तो कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने काफ़ी काम किया, जिसके कारण संतोष इस बात का है कि हमने कोई मृत्यु नहीं होने दी, कोई जान नहीं जाने दी, कोई बह के या हम निकाल नहीं पाए और देखते देखते बह गया हूँ, ये बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टे कल शाम को मैं हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा के लोगों को समझाता रहा कि ये आर्मी का, सेना का हेलीकॉप्टर है, आप इसमें आ जाओ, तो कई लोग इनकार कर रहे थे। मेरे आग्रह के बाद थोड़े लोग तैयार हुए, नहीं तो वो घर छतों पर बैठे और कह रहे अब देखते हैं, अब उतर जाएगा उतर जाएगा, ये कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने सबको सुरक्षित निकाल लिया, ये हम सब के लिए बहुत संतोष का विषय है। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि पानी उतरते सिल्ट को साफ कर देना, क्योंकि वो सिल्ट जो जमती है वो फिर कई तरह की चीज़ें पैदा करती है। दवाइयों का व्यापक पैमाने पर छिड़काव जरूरी है ताकि रोग ना हो। और तीसरी सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि आपको वाटर की सप्लाई को फिर से ठीक करके चालू करना है। बाकी जगह का गांव का देखना पड़ेगा अभी, लेकिन विदिशा की जो पेयजल की सप्लाई का अपना सिस्टम क्षतिग्रस्त हुआ है काफ़ी, जो मेरी जानकारी पूरे डूब गया था फिल्टर पानी वगैरह। तो हमको युद्ध स्तर पे, आपको ध्यान होगा पिछली बार हमको श्योपुर में सारे डिपार्टमेंट लगा के युद्ध स्तर पर हमको अर्बन डेवलपमेंट हो, बिजली वाले हों, पेयजल वाले उसमें जितना सहयोग करते हों, क्योंकि पानी की जो योजना है वो गांव में भी क्षतिग्रस्त हुई होंगी, तो विदिशा का हमको दिखाई दे रहा है तो पूरे, क्योंकि यहीं से अगर आप मंडी द्वीप से लगा लें तो रायसेन जिले के भी कई गांव में पानी था यहाँ से भाग गया, और विदिशा जिले के दोनों तरफ के गाँव एक बाहर और सगर के कारण और एक इधर जिले के भाग, तो भयावह स्थिति थी। सीएम शिवराज ने बीमारी ना फैले इसके लिए दवा छिड़काव से लेकर साफ सफाई को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल टीम गठित कर गांव-गांव और शहर पहुंचकर आवश्यक दवाएं बांटने के लिए विभाग को जुटाने को कहा गया है। युद्ध स्तर पर जुटकर फसलों का नुकसान, मवेशियों का नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। शिवराज ने कहा जो भी जरूरत हो उसका इस्तेमाल करें और व्यवस्था को सुधारें। इस मौके पर शिवराज ने विशेष तौर पर रेस्क्यू और राहत कार्यों में विगत 48 घंटों से लगातार जुटे होमगार्ड के जवानों को धन्यवाद दिया। बड़ा हिस्सा पानी में था और शहरों में भी, बांसवाड़ा वगैरह में भी हो या शमशाबाद हो या नटेरन हो, कई जगह पानी अंदर घुसा,
तो एक प्राथमिकता हमारी युद्ध स्तर पर सफाई की व्यवस्था करना, दूसरी तत्काल हमको स्वास्थ्य विभाग के लोग होंगे जो अलग अलग दवाइयां पाउडर जो छिड़क के हमको बीमारियां न फैले उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। एक सबसे प्रमुख काम है पेयजल की व्यवस्था को सुचारू करना, क्योंकि फिल्टर प्लांट पूरा का पूरा हमारा डूब गया था, क्षतिग्रस्त हुआ है, तो जो मैन पावर भोपाल से चाहिए वो भोपाल से आएगा और यहाँ जुट के हम वाटर सप्लाई को कैसे व्यवस्थित करना। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।